तो दोस्तों हम रामपुर कॉलोनी आए हुए हैं और ये क्वार्टर 280 सीडी है ना, 280 सीडी में क्वार्टर है। और ये ठंड का मौसम है और हल्का हल्का क्या धूप निकला, तो जैसे मौसम में परिवर्तन आती है सांप क्या धूप लेने के लिए बाहर निकल जाती है। तो अभी दिखाइए कितना बड़ा बिग साइज का इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा कहाँ बैठा हुआ है, दिखाइए बिल्कुल ओपन सामने में बैठा हुआ है वो ऊँचे पे। तो अभी दोस्तों उसे सावधानी पूर्वक पकड़ेंगे और उसे ले जाकर जंगल वाले एरिया में रिलीज कर देंगे, क्योंकि वो जहरीला सांप है वो। तो बने रहिए वीडियो में। काफी बिग साइज का इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, इसकी फुफकार सुन सकते हैं कितना तेज फुफकार रहा है दोस्तों, यहां से निकला है। धूप से निकला हुआ मुंह पे चोट भी लगी हुई है, चोट लगी हुई है दिखाइए, ये मुंह पे चोट लगी हुई है इसका। तो अभी आप देखिए छोटे छोटे बच्चे क्या है, छोटे छोटे बच्चे क्या है घर के बाहर निकल के खेलते उलते थे। और ये एक जहरीला जीव है दोस्तों, इसका जो वैनम होता है काफी खतरनाक वैनम होता है, जो इंसान के नर्वस सिस्टम को सबसे पहले डैमेज कर देता है। कभी भी अगर आप तो स्नेक बाइट हो जाए, आप स्नेक को नहीं भी देखे हैं, तो आपको सबसे पहले सदर अस्पताल जाना है। हमारे डिस्ट्रिक्ट में मुंगेर में क्या एक सदर अस्पताल है, वहाँ जाना है, वहाँ आप स्नेक एंटी वेनम लगाइए। चलिए इसे पैक कर लेते हैं और देखते हैं इसे मुंह के पास जो जख्म हुआ है, अगर हम कुछ कर सकेंगे तो जरूर करेंगे इसके लिए, क्योंकि दोस्तों मेरा काम है ऐसे ऐसे जीव जंतु को बचाना और उसका देख रेख करना। बस 20 के आसपास का होगा ये, ये पुकार है दोस्तों।
ठीक है, तो चलिए चलते हैं जंगल लेकर के इंसानों से दूर, जहाँ अपना जीवन सुरक्षित जी सके। और आप लोग भीड़ भाड़े भीड़ वाले एरिया में थोड़ा कम जाइए और मास्क का इस्तेमाल कीजिए और अच्छे से अपने हैंड को वॉश कीजिए। चलिए चलते हैं, जय हिंद जय भारत। क्योंकि दोस्तों यह कोबरा थोड़ा सा जख्मी है और धूप की तो इसे बहुत ज़रूरत है, लेकिन साथ साथ हम अगर इस पर कुछ एंटीसेप्टिक क्रीम लगा दे रहे हैं तो ये और जल्दी रिकवर कर लेगा और यह जो है फिर रिलीज इसे हम अच्छे से कर पाएंगे। काफी बिग साइज का इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा भारतीय नाग रेल क्वार्टर के आसपास टहल रही थी और ठंड का जो मौसम है ना तो ये धूप लेने के लिए बाहर निकली थी। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है किसी को, ये भी सुरक्षित है और इंसान भी सुरक्षित है। ये देखिए काफी बिग साइज का लार्ज साइज, ये इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा। तो ठीक है दोस्तों, हम इसे ज्यादा तंग नहीं करेंगे। दोस्तों जैसा कि आपने देखा ये अपना पुनः अपने नए जीवन जीने के लिए सुरक्षित स्थान पर चला आया। वहाँ पे होता तो क्या है, चाहे इंसान को खतरा होता चाहे इसे खतरा होता, तो हमारा काम है दोनों को सुरक्षित करना। तो बिल्कुल दोनों सुरक्षित है, चलिए चलते हैं घर, आप लोग भी सावधान है।